नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ओर, जहां से इस वक्त की दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आधी रात को 70 वर्षीय महिला की गला दबाकर मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। मंदिर पर सो रही महिला को नशेड़ियों ने रात में आकर गला दबाकर मारा पीटा। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। मामला प्रयागराज जनपद के पूर्व में गंगापार, वर्तमान में गंगापार नाम से फेमस थरवाई थाना क्षेत्र के गारापुर माता चौरा मंदिर परिसर का है, जहां माधुरी तिवारी उम्र लगभग 70 वर्ष, जो बहुत ही गरीब व असहाय है, वह दिन भर अपना समय समीप ही एक विद्यालय में बिताती है। विद्यालय बंद होने के बाद माता चौरा मंदिर पर आकर वही सो जाती है। लेकिन दुखद की शनिवार रात जब वह सोई तो रात लगभग 12 से 1 के बीच नशेड़ी युवा, जो क्षेत्र में तांडव मचाते हुए आते हैं और अकारण बिना कारण के 70 वर्षीय महिला को विधिवत मारते पीटते हैं और गला दबाते हैं। पीड़ित 70 वर्षीय माधुरी तिवारी का ये दिखाते हैं क्या है कहना। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए क्राइम डिपार्टमेंट हेड शिवम नंदन त्रिपाठी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम नंदन त्रिपाठी और आज आपको प्रयागराज जनपद से दिल दहला देने वाली खबर से हम रूबरू कराते हैं। अभी हम जिस जगह खड़े हैं, इस जगह का नाम है माता चौरा मंदिर। यह माता चौरा मंदिर प्रयागराज जनपद के गंगापार में पड़ता है, थरवाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और गारापुर में लगता है। यहाँ पे सोमवार और शुक्रवार भारी में बहुत बड़ी मेला लगता है। यहाँ पे एक दादी रहती हैं जिनका नाम है माधुरी तिवारी। इनकी उम्र लगभग 70 साल के ऊपर है और आप पीछे विद्यालय में दिन भर बिताती हैं और दिन भर बीत जाने के बाद यहाँ आ जाती हैं मंदिर प्रांगण में। यहीं अपना किसी तरीके गुजर बसर, एक कमरा इनको दे दिया गया है, करती हैं और मंदिर की साफ सफाई की व्यवस्था देखती हैं। आज रात्रि में यहाँ पे नशेड़ियों का तांडव तो क्षेत्र में है ही, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार खबरें चला चुका हूँ, कई बार शिकायत कर चुका हूँ, थाने पर मौखिक शिकायत भी हम लोगों ने किया है, किंतु कोई फर्क न तो थानेदार को पड़ता है न थाने पे बैठे किसी सिपाहियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को। इसीलिए मन बढ़ंत तो होते जा रहे हैं नशेड़े, और आज कुछ ऐसा हुआ है नशा के चक्कर में। रात्रि में 12, 1, 2, 3 कितना बज रहा था दादी नहीं बता पा रही हैं, इनको आकर लोगों ने पीटा है। हम चलते हैं दादी से ही बात करते हैं कि क्या कुछ मामला था, क्यों आए, क्यों पीटा गया, क्या कुछ इनकी गलती थी। दादी कितने बजे रात आए थे लोग? भैया हो, एक चाहे 12 रहो चाहे 1, जब हम ही उठ के गए ना, चला गए ना, तो देखे कि घड़ी में 2 बजा रहे हैं। वो 12 के टाइम हो चाहे 1 के टाइम हो, भैया हम सोवत रहे। तो दादी कोई बातचीत हुई थी क्या कल किसी से? नहीं बात उतना ही भाई रही, भैया हम सोवत रहे, सोते में तो गला दबाए ना भैया। क्या कुछ कर रहे थे, कुछ कह भी रहे थे? नहीं कुछ नहीं कहे, गलवे थे कि दाबे रहे। आपसे कुछ मांगे होंगे हो, पैसा रुपया? नहीं कुछ नहीं। किसी को आपने पहचाना? नहीं भैया पहचाने नहीं, अब गला था। कितने लोग आए थे कुछ? अब जौन गला दबाए रहा भैया वही की जाने की गला हमारा दबाए, ना ही देख पाए कहीं मिला। तो आज सुबह पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आए रहे, सब नंबर आए रहे, फिर सभापति थाने पर ले आए गए, FIR लिखाया। तो FIR लिखा गया? तो ये देखिए, दादी का कहना है कि थाने पे गए थे FIR लिखवाने। अभी हम थाने पे जाएंगे क्योंकि थाने पर इस समय थरवाई थाने पे अनियमितताओं का भरमार हो चुका है। आज कई घटना से हम रूबरू आपको कराएंगे थरवाई थाने प्रांगण में चल के। उससे पहले ये सबसे बड़ी खबर, एक वृद्ध महिला, 70 वर्षीय महिला को रात में आकर गला दबा के मारा जाता है और अकारण बिना कारण के, कोई कारण नहीं, न तो महिला से किसी का विवाद है, न तो विवादित है, न तो कल किसी से विवाद हुआ। फिर क्या कुछ कारण था रात में महिला को आकर गला दबाकर मारा जा रहा है, यह दुखद है। शासन की बात करें तो योगी सरकार कहती है प्रदेश में सब सुरक्षित हैं। प्रयागराज पुलिस की माने तो प्रयागराज कमिश्नर रमेश शर्मा कहते हैं पुलिस व्यवस्था पूरे प्रयागराज की चुस्त दुरुस्त है।
फिर ये क्या अपराधी ऐसे मनबढ़ंत होते जा रहे हैं, किसी महिला को 70 वर्षीय महिला को रात में आकर गला दबाकर मारते हैं, यह चिंताजनक विषय है। अभी मैं चलता हूँ थरवाई थाने पर और इंस्पेक्टर लोकेंद्र त्रिपाठी से भी इस पर वार्ता करूँगा। प्रयाग।